अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉलीवुड शोबीज़ में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बख्तावर भुट्टो की शादी इस साल की महंगी तरीन शादियों में शुमार की जा रही है। बख्तावर भुट्टो बहुत ही खुश दिखाई दे रही हैं और बहुत ही खूबसूरत रास्ता भी की गई, लेकिन हाल ही में इन्हें इतने महंगे तरीन तोहफे दिए जिससे देख कर लोग हैरान परेशान रह गए कि इतने महंगे तोहफे हमने नहीं देखा कि आज तक किसी को भी मिले हों। इनको इनके वाले साहब ने, भाई ने, बहनों ने और मरियम नवाज़ ने क्या तहाइफ़ दिए हैं, उन महंगे तहाइफ़ की हम आपके साथ तस्वीर को शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दूसरे ममालिक से शेफ़ को बुलाया गया था, अब यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शादी पर कितने पैसे लगाए गए होंगे। इन्होंने बहुत कम लोग बुलाए थे लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे और शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से की। मेहंदी 2 दिन की गई, उसके बाद इनका निकाह हुआ और इसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ था, जिस पर उनके निकाह हो जाने पर उनके बहन भाई बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो गए थे, क्योंकि बहन को दूर भेजना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आसिफ अली जरदारी ने, यानी कि इनके वालिद साहब ने, इन्हें बहुत ही महंगा घर तोहफे में दिया है जिसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 5 एकड़ ज़मीन पर यह घर बनाया गया है और ये घर 3 साल से बन रहा था जो कि अब जाकर मुकम्मल हुआ है। इनके भाई बुलावल भुट्टो ने इन्हें बहुत ही महंगी कार दी है जिसकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं, और साथ ही साथ इनकी बहन आसिफा भुट्टो ने इन्हें बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया है जो कि ब्रेसलेट है, इसकी कीमत 3 लाख रुपए है। और साथ ही साथ इनकी बहन ने इन्हें एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी दी है। और मरियम नवाज़ की अगर बात की जाए तो उन्होंने डायमंड का नेकलेस दिया है जिसकी कीमत का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है और बहुत ही खूबसूरत और शानदार दिखाई दे रहा है। आप सबकी इन तहफ़ के बारे में क्या राय है, हमसे अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।